चैनल टेक्नोलॉजी मनीष। मैं मनीष और मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल के अंदर। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ खास टेक न्यूज़। ठीक है, तो इस टेक न्यूज़ के 19वें एपिसोड के अंदर मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ स्मार्टफोन्स के बारे में न्यूज़। तो उसके अंदर मैं सबसे पहले स्मार्टफोन की बात करूँ तो ओप्पो के न्यू मोबाइल फाइंड एक्स के बारे में। ठीक है, तो फाइंड एक्स के बारे में मैंने अभी 3-4 दिन से लगातार वीडियो बना रहा हूँ। फाइंड एक्स कुछ ऐसा मोबाइल है जो कि कुछ डिफरेंट है। ठीक है, तो इस मोबाइल के अंदर बहुत ही डिफरेंट है। तो इसके अंदर आपको खास मिल रहा है स्लाइड वाला कैमरा। ठीक है, तो ऊपर आपको सिंपली फ्रंट नॉच पर आपको नॉच नहीं दिख रही है फ्रंट स्क्रीन पर। आप सोच रहे होंगे कैमरा कहाँ है, तो मैंने कल आपको बताया था कि वहाँ पर जैसे ही आप उसके अंदर तो वहाँ पर चल जाएंगे लोग खोलने के बाद, तो कैमरा ओपन करेंगे तो सिंपली स्लाइड होकर ऊपर की तरफ कैमरा आ जाएगा, पीछे की तरफ वाला कैमरा और आगे की तरफ वाला कैमरा। ठीक है, तो ये वाली तो हो गई मेरे कल की न्यूज़। तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया के अंदर ये आने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, तो एक दो सप्ताह के अंदर आने वाला है, मतलब 12 जुलाई को ये आएगा इंडिया के अंदर। और इसकी प्राइस मैंने आपको पहले बताई थी 39,990 रुपये, तो उसी प्राइस पर आ सकता है लग रहा है तो ऐसे ही है। ठीक है, तो ओप्पो का फाइंड एक्स कुछ अलग है, ये कुछ डिफरेंट ही है दिखने में। तो इसको आप यूज़ करना बहुत ही अच्छा लग रहा है मोबाइल। ठीक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं आने के बाद। तो जुलाई 12 तक वेट कीजिए, उसके बाद आप इसको खरीद सकते हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ तो पैनासोनिक के मोबाइल के बारे में। तो पैनासोनिक की बात आने के बाद, पैनासोनिक अच्छा मोबाइल है लेकिन पैनासोनिक कुछ क्वालिटी अच्छी डिफरेंट नहीं देता है। ठीक है, तो पैनासोनिक का न्यू मोबाइल है जिसका नाम है P90। ठीक है, तो P90 के अंदर पैनासोनिक उसके अंदर आपको मिलेगी 1 GB रैम, 16 GB स्टोरेज। ठीक है, और भी बहुत कुछ मिलेगा इसके अंदर। और पीछे की तरफ कैमरा सिंगल कैमरा और आगे की तरफ फ्रंट कैमरा है। ठीक है, तो पैनासोनिक कुछ खास नहीं कर रहा है, 1 GB रैम 16 GB स्टोरेज ऐसे ही बस कर जा रहा है। और नेक्स्ट करना चाहिए इसको, कुछ डिफरेंट करना चाहिए कि मार्केट में इसके मोबाइल चलने लग जाए। ठीक है, तो पैनासोनिक का है, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, फिर कमेंट में लिखना आपको कैसा लगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ रेडमी के बारे में। तो रेडमी का 6 Pro, जिस मोबाइल की बात कर रहा हूँ रेडमी 6 Pro, जो कि चाइना के अंदर लॉन्च होने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, तो ये चाइना के अंदर लॉन्च कब होगा ये मैं बता देता हूँ आपको। तो ये जून चल रहा है और ये 24 जून को ये लॉन्च होने वाला है चाइना के अंदर। ठीक है, तो आज कितने 21 जून, तो 3 दिन बाद ये चाइना के अंदर लॉन्च हो जाएगा, उसके 1-2 महीने बाद हम इंडिया के अंदर भी ये मोबाइल आ जाएगा। तो रेडमी 6 Pro दिखने के अंदर बहुत अच्छा दिख रहा है। ऐसे तो अगर इसको सफ़ेद के अंदर देखें तो उसकी नोच है वो बेकार लग रही है, और इसे ब्लैक के अंदर एकदम मस्त दिख रहा है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा मोबाइल लग रहा है थोड़ा। ठीक है, तो इंडिया के अंदर आने के बाद इसको खरीद सकते हैं। अगर चाइना के अंदर हैं आप तो आराम से इसको खरीद सकते हैं 24 जून को। ठीक है, और नेक्स्ट मैं रेडमी के MI के बारे में बात करूँ तो MI के पैड 4 के बारे में। तो MI पैड 4 के बारे में मैंने वीडियो बनाया था पहले भी। तो MI का पैड 4 जो कि आने वाला है, ठीक है, ये भी उसी डेट को आने वाला है, वो भी चाइना के अंदर 24 जून को, यानी 3 दिन बाद MI पैड लॉन्च होने वाला है 3 दिन बाद चाइना के अंदर। ठीक है, तो ये एक एक टैबलेट है MI पैड 4, तो इसका भी चाइना के अंदर लॉन्च हो जाएगा। और रेडमी 6 Pro और MI पैड 4 दोनों 1-2 महीने के बाद इंडिया के अंदर भी आ सकते हैं। इसकी रेट हम बता देंगे इंडिया के अंदर आने के बाद इसकी कितनी रेट है। ठीक है, तो मस्त है, आप आराम से ले सकते हैं टैबलेट और मोबाइल। ठीक है, और नेक्स्ट में बात करूँ Xiaomi के बारे में तो रेडमी 6 और 6A के बारे में। ठीक है, तो रेडमी 6 मोबाइल और उसका एक और वर्जन 6A, जो कि दोनों ही इंडिया के अंदर आने वाले हैं। सेम ही दिखते हैं, बस उसके अंदर कुछ पीछे डिटेल्स क्वालिटी कुछ अलग अलग होगी या कम होगी। ठीक है, तो आने वाले हैं ये इंडिया के अंदर, आराम से आप इसको खरीद सकते हैं। आने के बाद हम और वीडियोस बना देंगे 6 और 6A के बारे में। तो बहुत वीडियो मैंने पहले भी बनाया है, तो इसके दोनों वर्जन है जो कि इंडिया के अंदर आने वाले हैं। ठीक है, और मैं नेक्स्ट बात करता हूँ आज की नोकिया के बारे में। ठीक है, तो नोकिया का जो मोबाइल है X6, इसके बारे में बात बता देता हूँ कि X6 है जो कि लॉन्च हो चुका है चाइना के अंदर पहले से ही। और इसका ये सोचा था कि दूसरे से इसने कंफर्म किया कि इसको दूसरे देशों में भी लाना चाहिए या नहीं। ठीक है,
सत्य परसेंटेज बोलेंगे कि लाना चाहिए, तो ये मोबाइल आपको इंडिया के अंदर भी देखने को मिल सकता है और भी देशों के अंदर, ठीक है, चाइना के अलावा, ठीक है। तो नोकिया का X6 जो कि आने वाला है, तो आप वेट कीजिए, आएगा जब हमको आपको बहुत सारी डिटेल्स के बारे में बता देंगे, ठीक है। तो यही था आज का हमारा वीडियो ओप्पो फाइंड एक्स के बारे में, 6S, 6 के बारे में और 6 Pro बोर्ड के, पैड बोर्ड के बारे में, पैनासोनिक के बारे में, ठीक है, नोकिया X6 के बारे में। तो आज की टेक न्यूज इधर ही हम समाप्त करते हैं, और अगली टेक न्यूज में हम फिर मिलते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली मैं बता देता हूँ। तो चैनल को आपको जल्दी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसके पास में आपको बेल आइकन आ रहा है, घंटे का बटन, उस पर क्लिक करना पड़ेगा, जिससे आपके पास हमारी टेक न्यूज और अदर वीडियोस हैं जिनके नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएंगे, तो आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा लगा वो वीडियो तो जल्दी से लाइक कर दें, और जो जो मैंने आपको स्मार्टफोन के बारे में बताया तो आप कमेंट में लिखिए कौन सा स्मार्टफोन आपको अच्छा लगता है, कौन सा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। और जल्दी से इसको दोस्तों के बाद शेयर कर दें, उनको ये टेक न्यूज जल्दी से पहुंचा दें, क्योंकि वो भी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे इस टेक न्यूज का, अगर उनको फ़ायदा मिलेगा तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।